प्रताप यादव फुलवारी थाने में पहुंचे हैं और धरना पर बैठे हुए हैं। थाना अध्यक्ष पे बदतमीजी करने का आरोप लगाया। जब फोन किए जनता दरबार में फरियादी की बात लेके, तो वो फरियादी नहीं सुने, लिहाजा तेज प्रताप यादव फुलवारी पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ और थाना प्रभारी से बात भी किए। तेज प्रताप हमारे साथ, तेज प्रताप जी, आखिर क्यों आपको जनता दरबार छोड़ के फुलवारी आना पड़ा? फुलवारी आना पड़ा कि महिला का FIR कर लिया गया, उसकी बहन को जला करके उसके ससुराल वाले उसको मार दिए और इस तरीके का व्यवहार हुआ। मेरे साथ बदतमीजी से उन्होंने बात किया, तुम कौन तेज प्रताप है हम नहीं जानते हैं, हम बिहार विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के हम सदस्य हैं और इस तरीके का व्यवहार ये गलत है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं अपने पैड पर लिख करके दूंगा इनका नाम के साथ। अब थाना अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे उनका थाना में दारू भी रखा हुआ है, जाकर के देख लीजिए कोना में वो दारू कैसे आया थाना में, खुलेआम रखा हुआ है ऑफिस में दारू का बोतल वहाँ बांध करके। थाना अध्यक्ष क्या कहना है कि हमने कोई बदतमीजी नहीं किया? तो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग आप लोग सब सुनने का काम किए हैं, सब लोग मीडिया के लोग जो जनता दरबार में थे सब सुने हैं रिकॉर्डिंग। आप आगे क्या कीजिएगा? हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे। दारू का बोतल कहाँ से आया थाना में वो देखिए। अगर आपकी बात अगर यहाँ थाना अध्यक्ष नहीं सुनते तो फिर आगे आप क्या कीजिएगा? कार्रवाई करेंगे, आगे नीतीश जी से मिलेंगे जा करके, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। किस तरह की करवाई चाहते हैं? इनको सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए इनको यहाँ। तब तक आपका धरना यहीं पर, तब तक हमारा मांग रहेगा। तेज प्रताप यादव की सीधी मांग है कि जो थाना अध्यक्ष है इनके ऊपर कार्रवाई हो, अन्यथा वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे और पूरे घटना से अवगत कराएंगे। गणेश सम्राट, न्यूज़ 4 नेशन, फुलवारी।